Hello children, how are you? Hope you all are fit and fine. Children, today we will write number names 81 to 90. So before writing this, you will write date and homework. Then you leave three boxes here. Under this, you leave three box and write 81 to 90. Here you write your heading, number names. Under this, you write 81 to 90. After that, you start your work. इससे पहले भी आप लोग स्पेलिंग ऑफ वंस, स्पेलिंग्स ऑफ टेंस, 11 टू 20 फोनिक साउंड की हेल्प से सीख चुके हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको स्पेलिंग ऑफ टेंस आती हैं और स्पेलिंग ऑफ वंस आती हैं तो आपके लिए कोई भी स्पेलिंग लिखना वन मिनट गेम हो जाता है। तो अगर आपको वो नहीं आती हैं स्पेलिंग्स ऑफ टेंस एंड स्पेलिंग्स ऑफ वंस, तो पहले आप हमारी वो वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लिखेंगे 81 टू 90। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। आपको पता है 80 के लिए जो ए होता है वो फोर लेटर्स से मिलकर बनता है, ई आई जी एच ए। तो जब भी 80 वाला ए लिखना है तो आपको ई आई जी एच ए लिखना होगा, उसके बाद बस टी वाई टी ऐड करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। 80, ई आई जी एच ए, टी एट टी वाई टी, ए टी। यहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है इसीलिए ये केवल ए बोलता है। ओके, नाउ लीव वन बॉक्स 81। वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, वन है। ओ एन ई वन, 81। नाउ 82, अगेन फोर लेटर्स वन साउंड, ई आई जी एच ए, एट टी वाई टी, टी वाई टी, 80। लीव वन बॉक्स, नाउ एट वंस प्लेस वी हैव टू, सो टी डब्ल्यू ओ टू। टू को आपको लर्न करना होगा, ये साइड वर्ड है, ये साउंड से नहीं हो पाएगा, ये तो वरना ट्वा ऊ हो जाएगा। नाउ 83, अगेन आपने लर्न कर लिया है 80 का ए बनता है फोर लेटर्स से, ई आई जी एच ए। नाउ एट टी वाई टी, 80, लीव वन बॉक्स, एट वंस प्लेस वी हैव थ्री, टी एच थ, आर सेज ई, डबल ई सेज ई। अगर आप सिंगल ई लिखेंगे तो एह होगा, लेकिन डबल ई जब मिल जाता है तो वो ई बोलता है, थ ई थ्री, 83। नाउ 84, ए फोर लेटर्स वन साउंड, ई आई जी एच ए। नाउ एट टी वाई टी, टी वाई टी, ए टी, 80। लीव वन बॉक्स, फोर एफ सेज, मैम पहले ही बता चुकी हैं ओ यू की बहुत सारी साउंड्स होती हैं, इसमें से एक साउंड उसकी ओ भी होती है जो फोर के पास होती है, पोर के पास होती है, ओ आर सेज फ, फ ओ फोर, 84। नाउ 85, ए फोर लेटर्स वन साउंड, ई आई जी एच ए। मैंने आपको बताया जी एच की साउंड साइलेंट रहती है, ओनली ई आई बोलता है ए, टी टी वाई टी, 80। नाउ ली वन बॉक्स, फाइव एफ सेज आईव, आपको आई की लॉन्ग साउंड सुनाई दे रही है तो आप क्या करेंगे, ई व पहले लिख देंगे और उसके बाद ई शॉर्ट साउंड को लॉन्ग साउंड आई बनाने के लिए क्या करेंगे, मैजिक ई ऐड करेंगे, तो ये इसकी शॉर्ट साउंड को लॉन्ग साउंड बना देगा, आईव। ज़्यादा सीखने के लिए आप मैजिक ई के रूल सीखिए जो मैम आपको सिखा चुकी हैं। ओके, नाउ 86, ई आई जी एच ए, काउंट 1 2 3 4, फोर लेटर्स वन साउंड, एट टी वाई टी, 80। लीव वन बॉक्स, सिक्स एस सेज ई, I says E, X says X, X, 6, 86, now 87, A, E, I, G, H, A,
add tea. A tea leaven box. 7. S says a. E says a. V says v. A. E says a. N says n. S a v a. 7. 87. Now spelling of 88. तो बहुत ही आसान है लिखना. ओके चिल्ड्रन, 80. अगेन नाउ यू हैव लर्नड ई आई जी एच ए टी टी वाई टी ए टी 80. मैम बता चुकी हैं, 4 लेटर्स 1 साउंड. नाउ 8. ई आई जी एच ए. नाउ ए प्लस ट. 88. ध्यान रखिएगा, 80 में टी वाई ऐड होगा लेकिन 8 में केवल टी ऐड होगा. ओके नाउ 89. ई आई जी एच ए टी टी वाई टी 80 लीवन बॉक्स एट वंस प्लेस वी हैव 9. सो राइट स्पेलिंग एन सेज आइन. अब आपने देखा आई, ये तो लॉन्ग आई की साउंड है. अगर हमने आई एन लिखा तो इन हो जाएगा. तो आइन बनाने के लिए मैजिक ई ऐड कीजिए, तब ये ई की साउंड को आई में चेंज कर देगा. आइन 9. मैजिक ई रूल्स देखने होंगे इसके लिए आपको. 90. एन सेज आइन आई एन ई आइन आइन 9. नाउ टी, एड टी वाई टी. चिल्ड्रन नाउ यू हैव लर्न स्पेलिंग्स ऑफ 81 टू 90. नाउ यू लर्न एंड राइट दीज स्पेलिंग्स. एंड जब आप ये सीख चुके हैं तो इसके साथ एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो है राइट नंबर फॉर गिवन स्पेलिंग. अगर एग्जाम में आपके पास स्पेलिंग लिखी हुई है तो आप उसे फोनिक साउंड की हेल्प से रीड कीजिए, उसके बाद उसके लिए करेक्ट नंबर लिख दीजिए. तो आप अगर स्पेलिंग सीख जाते हैं तो आप राइट नंबर फॉर गिवन स्पेलिंग्स भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप अगर नंबर लिखा हुआ है तो स्पेलिंग्स भी लिख सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग स्पेलिंग ऑफ वंस टेंस रिवाइज करते रहिए. हमारी पुरानी वाली वीडियो देखकर केवल एक ही लाइन नहीं लर्न करनी है. बाय बाय.